हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन ब्रेन इन मोस्ट इजीएस्ट वे यूजिंग सम इजी ट्रिक्स एंड टिप्स। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। देन प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम इस तरह से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे और इसे थोड़ा सा टेल्टेड तिरछा करते हुए यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह से। देन गाइस, हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ से हम बनाएंगे मिड ब्रेन। उसके लिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करना है। और अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। और आपने नोटिस किया होगा ये लाइन्स दोनों के पैरेलल है। और ये जो शेप है वो आपको कहीं ना कहीं काइट की शेप की तरह दिखेगा। देन हम मिड ब्रेन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे, जिसको बोला जाता है कॉर्पस कॉलम। देन हम इस शेप को फॉलो करते हुए एक आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से। इसे फोल्ड करते हुए इसी के पैरेलल लेते आएंगे इस तरह से। और यहाँ पे छोटा फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से। एंड देन इसके बाद यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फोल्ड करते हुए यहाँ पे छोड़ देंगे। एंड देन हम इस साइड से इसे इस तरह से ड्रॉ करते हुए यहाँ पे छोटा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से अगेन यहाँ तक लेते आएंगे। देन गाइस, हम यहाँ पे बनाएंगे सेरेबेलम। उसके लिए हमें सिंपली पेड़ की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे बनाते थे हम पेड़? सिंपली हम पहले बनाते थे टैनी को एंड देन इसके ऊपर इस तरह से झिकझिक की तरह लाइंस ड्रॉ करते थे। और इसके ऊपर इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है इस शेप को फॉलो करते हुए। एंड देन हम इसके अंदर इस तरह से सिंपली लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन दोस्तों, हम यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ लेते आएंगे एंड अगेन यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पे टच करेंगे। एंड देन हम इस साइड से इसे ड्रॉ करते हुए यहाँ पे टच करेंगे। ओके गाइस, अब हम बनाएंगे सेरिब्रम। इसके लिए भी मेरे पास एक आसान सा ट्रिक है। उसके लिए आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए लाइंस ड्रॉ करना है और 9 शेप होने के बाद 10th शेप हम छोटा सा ड्रॉ करेंगे एंड अगेन हम इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे टच करेंगे। और अब हम इसके अंदर की फोल्ड्स को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे 1, 2 एंड ये तीसरा ड्रॉ करते हुए यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और इस अंदर वाली लाइन के पैरेलल लेते जाएंगे। आपको बस अंदर वाली लाइन को ऑब्जर्व करते हुए इस लाइन को लेते आना है। एंड देन हम यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड देन हम यहाँ से एक लाइन लेते आएंगे और यहाँ पे टच करेंगे एंड देन अगेन इस साइड में। और यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू ड्रॉ करते हुए लाइंस को टच करेंगे एंड देन अगेन यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पे वाई शेप को ड्रॉ करेंगे। बोथ साइड आपको दिखाना है इस तरह से। और अगर गाइस आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं आपको बता दूं गाइस, मैंने ऐसे ही ढेर सारे वीडियो बनाए स्पेशली फॉर क्लास 10। और कुछ वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चाहे तो विजिट कर सकते हो। ओके गाइस, सेरिब्रम ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे
एंड देन हम यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके अब दोस्तों हम इस कर्ल को बनाते हुए पहले कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद इस डायग्राम को करेंगे लेबलिंग। ओके तो इस तरह से हमारे डायग्राम हुए कंप्लीट। तो चलिए हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। सो टेल मी द फर्स्ट वन सेरिब्रम, देन इसके बाद दिस इज क्रैनियम, दिस इज मिड ब्रेन एंड हेयर इज द स्पाइनल कॉर्ड, देन इसके बाद दिस इज सेरिबेलम, दिस इज मेड्यूला एंड दिस इज पॉन्स, देन इसके बाद दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। ओके अब हम दिखाएंगे हिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो हिड ब्रेन में आते हैं सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स एंड फोर ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट्स इंक्लूडिंग सेरिब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो अलॉट। Best of luck for your examination. Thanks for watching.